एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। तो चलिए, सच में आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं हैंकी टॉप करती हूँ। हैंकी टॉप के साथ सुबह का टाइम बहुत बिजी रहना पड़ता है मुझे, ना इतना बिजी रहना पड़ता है। कोई मुझे हर कोई मेरा जादुई हाथ होता तो, लंबा सा जादुई हाथ होता तो मैं और भी काम कर लेती, लेकिन क्या करूं, मुझे इतना मतलब सुबह का टाइम मुझे 10 बजे से पहले तो मैं नाश्ता ही नहीं कर पाती हूँ, इतना बिजी। कपड़ा फैला हुआ है, सुबह ससुर जी को नहलाना, ससुर जी का काम सब कुछ करने के बाद मुझे सब तो किचन का भी काम थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। तो चलिए, मैं आज सिंपल सा है कि जो हमारा मॉडल टॉप है कि कर मॉडल है कि टॉप मैं करूँगी आप सबके सामने। और फिर जब मेरे चैनल को न्यू विजिट कर तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ऑल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए, मैं सिंपल सा देखिए दो फोल्ड करके मॉडल टेक टॉप कर रही हूँ। मॉडर्न टेक सच में अच्छा है, मॉडर्न स्टाइल का टॉप जब अच्छा है। एक है ये है, ऊपर से गर्मी भी हो रहा है, आज बारिश भी, कल से बारिश लगा हुआ है। तो देखिए कैसा लग रहा है बताइए। छोटा सा टॉप करके मैं काम करूंगी आप लोगों के साथ, छोटा सा 3 टेप का कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, रोज रोज कर रही हूँ। तो साड़ी ये साड़ी ना नेट वाला साड़ी है, नेट और पिंक कलर का साड़ी, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, मैं करती हूँ और भी काम, तो आप लोग देखिएगा। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था ना, कोई बात नहीं, थोड़ा लाइट का देखिए, इधर ही मैं हैंकी कर देती हूँ, उधर हैंकी, सॉरी लाइट का प्रॉब्लम था। कपड़ा फैला हुआ है और किचन का काम, चलिए मैं करती हूँ। देखिए कपड़ा फैला हुआ है, बेडशीट को तो बेडशीट तो लगा लिया, और देखिए कपड़ा कैसे फैला हुआ है, तो मैं उसको करूँगी साफ, मतलब उसको मैं फोल्ड करके रखूँगी। तो मैं दिखाई थी ना कपड़े को मैं बाद में फोल्डिंग करूँगी। थोड़ा किचन का काम भी हो रहा है बीच में, मैं इधर किचन का भी काम हो रहा था, इधर उधर का काम करना पड़ता है, लेडीज़ का तो सब कुछ करना पड़ता है। चारों हाथ, मैं बोली थी ना जो हमारे जादुई हाथ होता तो मैं चारे साइड मतलब एक ही टाइम 8-10 काम में कर लेती, किचन का काम, जो क्लीनिंग का काम और वॉशिंग का, जो कपड़े वॉश का काम सब कर लेती, टाइम भी नहीं मिलता, बहुत लेट हो जाता है काम करते करते, इतना कम होता है, इधर उधर दौड़ दौड़ के और मतलब पसीना पसीना हो जाते हैं, इतना काम होता है। तो किचन में मैं एक साइड मैं चावल बैठा दी थी, दाल तो बन गया था और सब्जी बना रही थी, और जो हमारा आज पटल मतलब परवल और आलू का सब्जी, तो पटल परवल को हमारे यहाँ पटल कहते हैं, उनका सब्जी मैं बना रही थी। तो आलू के साथ बेटी खा लेती है, परवल को तो नहीं खाती है, आलू के साथ खा लेती तो उसको वहाँ से आलू लेकर खा लेगी, तो इसीलिए मैं कर रही थी। और मेरे बगीचे में तो बरबट्टी मतलब वो जो झुड़ंग, हमारा उड़ीसा में झुड़ंग कहते हैं, झुड़ंग को भी मैं बना ली थी, ऑलमोस्ट बना ली थी। और किचन में देखिए लंबा वाला हैंकी को भी मैं टक कर रही हूँ, लंबा वाला हैंकी को टक करने से काम भी आता है, जो मॉडल टक हैंकी तो मैं टक की हूँ और लंबा वाला हैंकी को भी मैं टक कर रही हूँ। और इधर काम तो बिजी रहना पड़ा। उसके बाद जो बीच में फ़ोन आया था किसी का, शायद घर में मायके से आया था फ़ोन, तो बात कर रही थी, ज़्यादा देर नहीं की क्योंकि बात करूँगी तो लेट हो जाता है ना, इसीलिए मैं ज़्यादा भी बात नहीं कर रही थी, बाद में बात करती जब फ्री होंगी तो बात करूँगी, ऐसे बोल के मैं फ़ोन कर रख रही थी।
फोन को देखिए मैं टक कर दिया, मैं टक करके काम भी कर रही, किसी का कमेंट भी आया था आप फोन टक करके करो। ऐसे जल्दी जल्दी में फोन आता है ना, फोन फोन में बात करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, फोन करते हैं तो इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। हस्बैंड का फोन था तो उनके साथ मैं बात कर रही थी। पर सर मैं तो किचन का काम तो आधा ऐसे मैं सब्जी को बना दी थी, सब्जी को बना के आधे में मतलब इधर उधर का भी काम कर रहा है, करना पड़ता है। और देखिए मेरे फ़ोन को भी, सेल फोन को भी मैं जो कमर में टक कर रही थी, टक करके काम कर रही थी, कहाँ रखूँगी, इसीलिए इधर उधर रख दूँ तो पानी फानी हो जाए, इसीलिए मैं कमर में ही टक करके काम कर रही थी। वैसे भी कमेंट आया था कमर में आप फोन को सेल फोन को भी टक करके काम करो, तो काम कर रही थी, ज़्यादा करेंगे तो गिर जाएगा इसलिए नहीं की। और देखिए सीधे बेड जो कपड़े को मैं फोल्डिंग कर रही हूँ, फोल्डिंग करने के बाद इधर उधर का काम करना पड़ता है ना, लेडीज़ को सब कुछ देखना पड़ता है। मतलब मैं सब कहते हैं ना, क्या करते हो, कुकिंग कुकिंग कौन सी बड़ी बात है, अरे बाबा कुकिंग का भी, कुकिंग भी बहुत बड़ी बात है, कुकिंग करो, घर की सफाई करो, इधर उधर फैला हुआ होता है, और ऊपर से जो मतलब मॉपिंग फपिंग करो, झाड़ू भी करो, वो सब करना पड़ता है। आजकल तो जो मकड़ी का जाल बहुत होता है, इस महीने में मकड़ी का जाल बहुत होता है, उसको भी देखो, एक दिन नहीं देखोगे तो मकड़ी का जाल हो जाता है। सारे ऐसे कपड़े को मैं फोल्डिंग करके रख रही थी, और फोल्डिंग के बाद और जो किचन का जो काम है ना वो भी देख रही थी बीच बीच में, और जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि इधर उधर का भी करना पड़ेगा। उसके बाद वो भी हमारा मेरे डॉगी को भी नहलाना पड़ेगा ना, इसीलिए तो चारों साइड काम करो, इतना बिजी रहना पड़ता है। कौन कौन इतना बिजी रहते हो बाबा, मुझे तो बिजी रहना पड़ता है क्योंकि मुझे 10 बजे के अंदर काम ख़त्म करना पड़ता है ना, इसीलिए ससुर जी भी जल्दी से खाएंगे, इसीलिए मुझे किचन का काम ख़त्म करना पड़ता है। और देखिए मेरे डॉगी को भी मैं नहलाऊंगी, डॉगी को मैं ऐसे छोड़ के वो नहलाऊंगी ना, वो पानी पानी कर देगा सारे मतलब चारे तरफ, इसीलिए उसको बांध के मैं नहला रही थी। उसको रोज़ हम नहलाते हैं, नहीं नहलाओगे तो उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं रोज़ नहलाती हूँ, अच्छी तरह से नहाता है पानी ऐसे मतलब 9:30-10 आसपास मैं उसको नहला लेती हूँ, और नहला के उसको छोड़ दूँगी, नहीं तो वो सेक सेक करके पानी मेरे ऊपर आ जाएगा ना, इसीलिए मैं दौड़ के इधर आ गई थी। और पानी जो था पानी को भी मैं झाड़ू से साफ कर रही थी, और उसके बाद मैं फिर से किचन, और किचन में जो नाश्ता वाला जो बर्तन होता है ना उसको भी धो धा के रख दो तो अच्छा लगता है। किचन में जितना साफ़ सुथरा होता है अच्छा लगता है, जो हम भाजी भाजी बनाते हैं, जो सब्जी बनाते हैं, सब कुछ करने के बाद जो रहता है बर्तन उसको भी साफ़ कर दो। मुझे तो किचन सब जगह मुझे क्लीन हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो जितना भी हो जल्दी से मैं करके, कितना बिजी आप लोग तो देख रहे हो जी, मैं साफ करके उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके डॉगी को भी दूँगी, नाश्ता करने के बाद मैं सीधे जाऊँगी। और नाश्ते में आज मेरा था रोटी सब्जी और एक केला। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं
अभी तो 10 लगभग हो गया। मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोप जाऊँगी। देखिए नाश्ता में क्या कर रही हूँ, देखिए रोटी रोटी सब्जी और केला। मैं उतना नाश्ता करके जाऊँगी। अभी तक मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन था, तो चलिए मैं अभी रखती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।